नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ मेडिकल में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन देख रहे थे, उसमें हम लोग सुपर प्रिस्क्रिप्शन देखे थे, ठीक है। तो अब उसी में आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हमारा क्या होता है? द इंस्क्रिप्शन। सेकेंड पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हमारा क्या होता है? द इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन क्या होता है? तो इट इज द बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, इंस्क्रिप्शन को बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन भी बोला जाता है, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन को क्या बोला जाता है? बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो क्या क्या इंक्लूड करता है भाई? इट इंक्लूड्स, इंस्क्रिप्शन में क्या क्या हमारा पहला नंबर आता है? जो भी मेडिसिन हम सेलेक्ट किए पर्सन के लिए, जो भी हम रिमेडी सेलेक्ट किए, ठीक है, तो क्या आता है? नेम ऑफ द रिमेडी, ठीक है। फिर क्या आता है? उसका पोटेंसी, इट्स पोटेंसी एंड इट्स क्वांटिटी, ठीक है। यानी इंस्क्रिप्शन में हम क्या लिखते हैं? नेम ऑफ रिमेडी, जो भी हम रिमेडी सेलेक्ट किए हैं उस रिमेडी का कितना पोटेंसी होगा और उसका कितना क्वांटिटी होगा। जैसे मान लीजिए हम एक रिमेडी सेलेक्ट किए रस्टेक्स, तो क्या होगा? रस्टेक्स 30, रस्टेक्स हो गया नेम ऑफ रिमेडी, 30 हो गया उसका पोटेंसी एंड 4 ग्लोबुल्स, तो 4 ग्लोबुल्स क्या होगा उसका क्वांटिटी, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर में क्या आता है? नेम ऑफ व्हीकल, नेम एंड क्वांटिटी ऑफ ठीक है। यानी अगर हम रस्टेक्स सेलेक्ट किए 30, उसको कौन व्हीकल के साथ दे रहे हैं? हम ग्लोबुल्स के साथ दे रहे हैं या सुगर ऑफ मिल्क के साथ दे रहे हैं, ठीक है। तो उसका भी नाम आता है, किसमें आता है हमारा? इंस्क्रिप्शन में आता है, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन लिखने में हमको जो सबसे ज्यादा सावधानी क्या रखना है, हमें स्टार बना के लिख देता है, क्या सावधानी रखना है भाई? कि नेम ऑफ रिमेडी जो है, नेम ऑफ रिमेडी और पोटेंसी, वो सबसे पहले लिखना चाहिए, ठीक है। यानी कि नेम ऑफ रिमेडी एंड इट्स पोटेंसी शुड बी रिटन फर्स्ट, ठीक है। नेम ऑफ रिमेडी क्या होना चाहिए? सबसे पहले नेम ऑफ रिमेडी और पोटेंसी ही लिखेंगे, उसके बाद हम व्हीकल का क्वांटिटी लिखते हैं। देन द नेम ऑफ व्हीकल एंड इट्स क्वांटिटी शुड बी रिटन, ठीक है। यानी कि हम सबसे पहले व्हीकल का नाम लिखेंगे, सॉरी, हम सबसे पहले रिमेडी का नाम लिखेंगे, फिर उसका पोटेंसी लिखेंगे, देन हम उसको जो भी व्हीकल के साथ दे रहे हैं उसका नाम लिखेंगे और उसका क्वांटिटी लिखते, ठीक है। और क्या है कि इंस्क्रिप्शन जो होता है प्रिस्क्रिप्शन का एक पार्ट होता है इंस्क्रिप्शन, जो कि सबसे जरूरी पार्ट होता है। क्या जरूरी पार्ट होता है? क्योंकि इसी में रिमेडी लिखा हुआ रहता है, जो भी हम पेशेंट के लिए मेडिसिन का सिलेक्शन किए हैं, ठीक है। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन। क्या है प्रिस्क्रिप्शन होता है? क्योंकि इट्स कंटेन, बिकॉज इट कंटेन्स मेडिसिन एंड व्हीकल, ठीक है। मेडिसिन व्हीकल इसी में होता है, सबसे जरूरी पार्ट इसको माना जाता है प्रिस्क्रिप्शन का, ठीक है। फिर उसके बाद इंस्क्रिप्शन के बाद थर्ड पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का, जिसको क्या बोला जाता है? द सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? सब्सक्रिप्शन में फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन लिखा हुआ रहता है, या फिर जो कंपाउंडर है उसके लिए क्या लिखा रहता है? डायरेक्शन लिखा रहता है, ठीक है।
इट इंक्लूड्स डायरेक्शन डायरेक्शन फॉर द फार्मासिस्ट एंड कंपाउंडर, जो भी है उसके लिए क्या लिखा रहता है, डायरेक्शन लिखा था, यानी कि आप जो मेडिसिन का प्रिपरेशन करेंगे उसको कैसे प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे लिखा रहेगा फॉर एग्जांपल उसमें एम एप्टिमिस्ट, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि लेट मेक्स अ मिक्सचर, लेट मेक अ मिक्सचर, यानी कि जो भी मेडिसिन दिया गया सबका क्या बना देना, हमको एक मिक्सचर बना देना, ठीक है। मान लीजिए अगर लिखा रहा एम एफ टी पल्व, ये सब क्या है, एब्रीविएशन है, ठीक है। एम एफ टी पल्व का मतलब क्या हुआ, लेट मेक अ पाउडर, यानी कि जो भी मेडिसिन उसको कैसे फॉर्म में देना है, पाउडर के फॉर्म, यानी शुगर ऑफ मिल्क के साथ देना है, ठीक है। तो इस तरह का डायरेक्शन सब्सक्रिप्शन में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो पहला हमारा हो गया सुपर स्क्रिप्शन, देन इंस्क्रिप्शन, फिर सबस्क्रिप्शन, और सबसे जरूरी पार्ट होता है जो लास्ट पार्ट क्या होता है, द सिग्नेचर, ठीक है, द सिग्नेचर पार्ट ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सिग्नेचर पार्ट क्या करता है भाई, इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है, पहला डायरेक्शन फॉर द पेशेंट, यानी कि पेशेंट के लिए जो भी डायरेक्शन लिखा होता है कि आपको मेडिसिन कितने टाइम लेना है, आपको क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, सब किसमें लिखा रहता है, हमारा सिग्नेचर पार्ट में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो क्या क्या डायरेक्शन रहता है, पहला डायरेक्शन क्या रहेगा, हाउ टू यूज द मेडिसिन, ठीक है, हाउ टू यूज द मेडिसिन, ठीक है। यानी कि इसमें क्या हुआ, हाउ टू यूज मेडिसिन मतलब क्या होगा, इट इज इंपॉर्टेंट टू, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन द आवर्स ऑफ द डे, यानी कि दिन में कितना घंटा उस मेडिसिन को लेना है, किस किस घंटे में लेना है, 4 घंटे में, 5 घंटे में, ये सबका वहां पे मेंशन किया जाता है, ठीक है। और क्या डायरेक्शन पेशेंट के लिए होता है, वेन टू रिपोर्ट, यानी कि एक बार अगर हम मेडिसिन दे दिए तो फिर पेशेंट को कब रिपोर्ट करना है, आफ्टर अ वीक, आफ्टर अ मंथ, आफ्टर 15 डे, जो भी होता है सिग्नेचर में ही लिखा जाता, ठीक है। और क्या है, कोई आपको एडवाइस देना है, सम एडवाइसेस, फॉर एग्जांपल क्या क्या एडवाइसेस आप दे सकते हैं, डाइट, डाइट क्या क्या लेना है, पेशेंट को क्या क्या चीज़ खाना है, क्या क्या चीज़ छोड़ना है, बहुत सारी चीज़ होता है जो कि उस जो भी डिजीज कंडीशन को अगर इंक्रीज करता है, तो वैसे डाइट को हम लोग क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, अगर उसको योगा करना है एंड फिजियोथेरेपी, योगा एंड फिजियोथेरेपी, और फिर कोई इन्वेस्टिगेशन, यानी अगर पेशेंट को कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, जैसे इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करवा सकता है, पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, ऐसा अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कराना है तो सिग्नेचर के पार्ट में सब लिखा जाता है, ठीक है। और सिग्नेचर का दूसरा पार्ट क्या होता है, दूसरे में लिखा जाता है सिग्नेचर ऑफ फिजिशियन, फिर जब सारा चीज लिख दिया तो नीचे क्या होता है, फिजिशियन का सिग्नेचर होता है विथ डेट, यानी कि किस डेट में फिजिशियन सिग्नेचर कर रहा है, किस दिन में पेशेंट को वो चेक किया, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ पेशेंट विद डेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑब्टेंड फ्रॉम होम्योपैथिक, जो होम्योपैथिक काउंसिल है
उससे जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है उसको सबसे नीचे फिजिशियन अपने सिग्नेचर और डेट के बाद उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डिनोट करता है, रजिस्ट्रेशन नंबर को वहां पे लिखता है, ठीक है। तब हमारा एक प्रिस्क्रिप्शन पूरी तरह से बनके तैयार होता है, ठीक है। तो अगले वीडियो में अब हम लोग देखेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन लिखने समय हमको क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए और प्रिस्क्रिप्शन को आप एक लीगल प्रिस्क्रिप्शन कब मान सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को आगे देखते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।